नमस्कार दोस्तों, संध्या विश किचन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके साथ बहुत ही टेस्टी रेसिपी लेकर के आई हूँ, तो चलिए देखते हैं कि इस रेसिपी को मैंने कैसे बनाया है। तो आज हम व्रत स्पेशल बहुत ही बढ़िया रेसिपी लेकर के आए हैं साबूदाने की। तो चलिए देखते हैं इस रेसिपी को। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हमने ले लिया है एक मिक्सिंग बाउल, तो जिसमें हमें डाल देना है साबूदाने। तो ये दो कटोरी, हमने लिया है साबूदाने। इस कटोरी से हमने मेजर किया है, तो ये हमने दो कटोरी साबूदाना ले लिया है। तो इसे हमें एक पानी से धो लेना है। तो सबसे पहले हमें साबूदाने को धोना है, तो जिसके लिए हमने इसमें पानी डाल दिया है इतना, और इसे अच्छे से हाथों से इस तरीके से रगड़ रगड़ करके धो लेना है, ताकि जितना भी इसमें ये सफ़ेद वाला ये रहता है ना, तो निकल जाए अच्छे से। और चलिए इस पानी को हम फेंक देते हैं। तो ये देख लीजिए, पानी को हमने फेंक दिया है, और अब इसमें हमें पानी और डाल देना है। तो ये देख लीजिए, हमने साबूदाने में पानी डाल दिया है, तो साबूदाने के ऊपर इतना पानी होना चाहिए। तो 10 मिनट के लिए हम इसी तरीके से इसे छोड़ देंगे ढक करके। 10 मिनट बाद मिलते हैं। तो 10 मिनट हो गए हैं साबूदाने को गलाए हुए, तो चलिए इसे खोल लेते हैं। और इस तरीके से हमें एक बर्तन रख लेना है नीचे, और उसके ऊपर हमें रखना है जाली वाला बर्तन। अब हमें क्या करना है कि साबूदाने को इसे छान लेना है अच्छे से, मतलब जाली वाले बर्तन में इस तरीके से छान लें। तो अब हमें इसे ढक कर के रख देना है 2 घंटे के लिए। 2 घंटे के बाद हम मिलते हैं आपसे फिर से। तो 2 घंटे हो गए हैं, हम साबूदाना को खोल करके और चेक कर ले रहे हैं। तो ये लीजिए, साबूदाना हमारा फूल करके और इस तरीके से हो गया, आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से फूल गया है। तो ये हमने 4 मीडियम साइज के उबले हुए आलू ले लिए हैं, जिसका छिलका हमने पहले से उतार करके रख लिया है। तो अब हमें इन आलूओं को इस तरीके से ग्रेट कर लेना है ऐसे। अगर आप चाहें तो हाथ से भी फोड़ सकते हैं, लेकिन ये ग्रेट करने से बहुत ही बढ़िया, जल्दी से बारीक हो जाती है, और बहुत ही आसान तरीका है ये। मुझे ये बहुत ही आसान तरीका लगता है पर्सनली, मैं आपको बताऊं। तो अगर आप चाहें तो हाथ से भी इसे फोड़ सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही जल्दी हो जाता है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो ये लीजिए, चारों आलूओं को हमने इस तरीके से ग्रेट कर करके और रख लिया है, ये देखिए। तो ये आप देख सकते हैं, चारों आलूओं को हमने इस तरीके से ग्रेट कर लिया है। तो अब हमें लेना है एक मिक्सी का जार, और इसमें हमें डाल देना है साबूदाने। तो ये साबूदाने हमारे ज़्यादा हैं, तो हम इसे 2 पार्ट में पीसेंगे। तो पहले हम थोड़ा सा इसे इसी तरीके से पीस लेंगे, इसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। तो ये देख लीजिए, हमने इसे इस तरीके से पीस लिया है, और अब इसमें हमें पानी डालना है। तो थोड़ा सा पानी डाल करके फिर से इसे पीस लेंगे। तो ये लीजिए, हमने इसे इस तरीके से पीस करके तैयार कर लिया है। तो अब हमें आलू वाले मिश्रण में इसे डाल देना है इस तरीके से, और बाकी बचे हुए साबूदाने को भी पीस लेंगे। तो ये लीजिए, सारे साबूदाने को हमने पीस करके और इस तरीके से तैयार कर लिया है। तब इसमें हमें डाल देना है बारीक कटी हुई हरी मिर्च, थोड़ी सी धनिया पत्ता डाल देना है, सेंधा नमक डालेंगे, तो नमक आपको स्वाद के अनुसार डालना है, क्योंकि हम ये व्रत के लिए बना रहे हैं तो सेंधा नमक डाल रहे हैं। और अगर आप सादे में बना रहे हैं, बिना व्रत के भी बना रहे हैं, तो आप इसमें प्याज वगैरह भी डाल सकते हैं। तो इन सारी सामग्रियों को हमें अच्छे से ऐसे मिक्स कर लेना है। हमें इसका बैटर तैयार करना है, तो थोड़ा सा पानी हम इसमें और डालेंगे, और इसे अच्छे तरीके से ऐसे चम्मच से घोल लेना है। तो ये आप देख सकते हैं कि इसका बैटर हमारा बन करके तैयार हो गया है। तो आपको इसी तरीके से इसका बैटर तैयार करना है, ज़्यादा मोटा नहीं रखना है, इस तरीके से रखना है। चलिए चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस पे आपको तवा या पैन कुछ भी इस तरीके से रख देना है, और इसमें हमें इस तरीके से तेल लगा देना है। तो आप तेल या घी जो भी खाते हैं ना व्रत में, आप वो लगा सकते हैं यहाँ पर। और अब जो हमने ये बैटर बना करके रखा है, उसे हमें इस तरीके से डाल देना है और ऐसे फैला देना है। तो आप छोटा बड़ा कैसा भी बना सकते हैं, जिससे आपको बनाना है उसके हिसाब से। तो ये देख लीजिए, हमारा चीला जो है तो पक चुका है, तो इसे हम पलट लेते हैं। तो उसके लिए हमें कैसे पलटना है आप देख सकते, देखिए ये ऐसे आपको इसमें पलट लेना है, और इसके बाद हमें ऐसे तवे पे ऐसे डाल देना है, क्योंकि ये बहुत ही आसानी से नहीं पलटेगा, इसको आपको ऐसे करना पड़ेगा तभी अच्छे से पलट पाएगा। तो ये आप देख सकते हैं कि ये पलट चुका है,
क्या होता है कि बहुत ही नरम होता है, ये आप देख सकते हैं। तो आपको इसी तरीके से पलटना पड़ेगा, इस तरीके से पलटिएगा। अगर आप चिमटे से या फिर ऐसे करछी से पलटेंगे ना तो टूट जाता है बीच से। और इसे हमें पकने देना है इस तरीके से, गैस को मत ही रखना है। और बहुत ही टेस्टी बनता है सच में, और बहुत जल्दी बन जाता है। बस थोड़ा सा पलटने की ट्रिक आपको देखनी है बस, बाकी तो बहुत ही बढ़िया है। क्योंकि नवरात्रि का व्रत जो होता है तो वो 9 दिन का होता है सभी का, और एक ही चीज़ खा खा के बोर हो चुके होते हैं। तो ये आप अलग अलग के चीज़ें बनाइए, आपको बहुत पसंद आने वाली हैं। और मेरे चैनल पर जा कर के चेक कर सकते हैं, बहुत सारी हमने व्रत की रेसिपी डाली है। आप मेरे चैनल पर चेक कर सकते हैं, मैंने बहुत सारी व्रत की रेसिपी डाली है। व्रत के आलू बड़े डाले हैं, और सिंघाड़े के आटे के पकौड़े डाले हैं, बहुत सारी रेसिपी हमने डाली है, तो आप चेक कर सकते हैं। तो ये देख लीजिए, हमारा एक चीला पक करके तैयार हो गया है। तो इसे हम निकाल लेते हैं इस तरीके से प्लेट में। फिर से हम वही वाला पैन चढ़ा देंगे, फिर से हल्का तेल से इस तरीके से ग्रीस कर लेंगे। मैंने पहले भी बताया है कि आप तेल या घी जो चीज़ खाते हैं वो आप लगा सकते हैं इसमें। मैं यहाँ पर तेल लगा रही हूँ, और आप छोटे बड़े भी बना सकते हैं, मैं थोड़े से बड़े ही बना रही हूँ। तो ये देखिए, हमारी बहुत ही टेस्टी रेसिपी बन करके तैयार है। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके बगल में एक छोटी सी घंटी है उसे भी दबा दीजिए, ताकि जो भी नए नए रेसिपी की वीडियो लेकर के आती हूँ आपको सबसे पहले मिले।